और देखो, सिर धुलाया सिर्फ मैंने, अभी नहाई नहीं हूँ और टाइम हो रहा है 11, 11 बज रहे हैं। खाने वगैरह का काम निपटाया है, अभी घर को खाना खुलाया है और देखो हाथ कितने प्यारे रचे हैं ना। और चूड़ियाँ भी करके रख ली हैं तैयार, जैसे मुझे पहननी है। मतलब इस तरीके से, मतलब जितना भी श्रृंगार का सामान है वो मैंने रख लिया है बाहर निकाल के, और कपड़े वगैरह रख लिए हैं। तो फ्रेंड्स, नहाने के बाद ना अब करना है मुझे अपना 16 श्रृंगार जितना भी है। तो मैंने ना ये यहाँ ही रख लिया है अपना। तो जी, अंदर ना कमरे में अंधेरा हो रहा था जिसकी वजह से वीडियो साफ नहीं दिख पा रही थी, तो मैंने क्या किया, सारा सामान जो भी श्रृंगार का सामान था मेरा वो मैंने बाहर रख लिया और बाहर ही मैं वीडियो बना लूँगी। तो यहाँ पे वीडियो अच्छी आ रही है, तो सबसे पहले मैं पहनूंगी चूड़ियाँ। चूड़ियाँ ना मुझे हाथों में सबसे ज़्यादा पसंद आती हैं। मैं ज़्यादा मेकअप तो करती नहीं हूँ, जितना भी मेकअप करती हूँ ना, सबसे ज़्यादा पसंद मुझे चूड़ियाँ ही आती हैं। तो चूड़ियाँ ना मैं सूट के मैच की नहीं पहन रही, जो मैं लहंगा पहनूंगी शाम के टाइम, जिस टाइम जल भरा जाता है, पूजा के टाइम वाले जो कपड़े होते हैं उसी के मैच की जो है ना, मैं इस टाइम पे चूड़ियाँ पहन लूँगी। और अभी पहन लूँगी ये चूड़ियाँ, तो ये इस तरीके से लग रही हैं जो चूड़ियाँ हैं। और ये मेरा शादी का मंगलसूत्र है, तो ये तो डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि डेली वेयर्स के हिसाब से मैंने ना छोटा मंगलसूत्र बनवा रखा है। तो गोल्ड पहनते हैं तो थोड़ी टेंशन तो रहती है, तो ये मेरा मंगलसूत्र जो है ना वो बड़ा है, तो मुझे डर लगता रहता है कि मतलब खो ना जाए, इस वजह से छोटा मंगलसूत्र घर में पहनती हूँ। और जो शादी वाला है इसे मैं करवा चौथ और होई पर, मतलब जैसे पूजा वगैरह का काम होता है ना, उसमें ही पहनती हूँ। और ये पायल लेकर आई थी मैं, तो ये पायल पहन लूँगी मैं। और जो बिछुए होते हैं इन्हें मैं बदलती नहीं हूँ बिल्कुल भी, जब टूट जाते हैं तभी बदलती हूँ बिछुए, वैसे करवा चौथ पर मैं बिछुए नहीं बदलती हूँ। ऐसा मतलब जो बड़े बुजुर्ग हैं, मतलब हमारी दादी सास थीं, तो ऐसा बोला करती हैं कि बिछुए वैसे मतलब बदलने नहीं चाहिए, जब टूट जाए तभी बदलने चाहिए। तो बिछुए नहीं पहनूंगी मैं, मतलब दूसरे बिछुए तो मेरे ठीक थे बिल्कुल, तो बस पायल जो लेकर आई थी ना वही पहन लूँगी मैं। और पायल ना बहुत ही प्यारी लग रही थी, इनका जो डिज़ाइन था ना ये बिल्कुल अलग था, जो मतलब ट्राउज़र, ज़्यादातर मैं ट्राउज़र पहनती हूँ, ये वाला सूट भी मेरा ट्राउज़र वाला है, तो इसी के अकॉर्डिंग ना मैं पायल लेकर आई थी, तो वो वाली पायल पहन लूँगी मैं। और पहनने के बाद ना बहुत ही सुंदर लग रही थी। मेरे जितने भी सूट रहते हैं ना, मतलब आने जाने के या किसी त्यौहार के, तो वो ट्राउज़र वाले रहते हैं ज़्यादातर, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं पायल लेकर आई थी। और बस अब क्या करना है, हम मुझे बहाने हैं बाल, तो धो मतलब सिर धुला था मैंने सुबह 9 बजे सिर धुला था, और तो मतलब गीले बाल थे तो बहाया नहीं था, तो इस वजह से ना इलच रहे हैं बाल, तो मुझे ये सुलझाने हैं। और अब भर लेनी है मांग, तो मांग ना मतलब श्रृंगार का जो भी काम होता है ना, हमें बैठ कर ही करना चाहिए, हमेशा श्रृंगार हमेशा हमें बैठ कर ही करना चाहिए। सुहागिनी स्त्रियों को श्रृंगार कभी भी खड़े होकर नहीं करना चाहिए, और बाल जो होते हैं ना, बाल मतलब कभी भी भूल कर भी खड़े होकर निभाने चाहिए, तो इस वजह से बैठ कर ही कर रही हूँ मैं श्रृंगार जो है। और ड्रेसिंग मेरा अंदर लगा हुआ है, तो ड्रेसिंग के पास अगर मैं मेकअप करती हूँ तो वहाँ मुझे खड़ा होना पड़ता है, तो इस वजह से मैं यहाँ बाहर बैठ कर रही हूँ श्रृंगार का काम। और ये लगाना है सबसे मेन चीज़ होती है सिंदूर, तो सिंदूर ना मैं मतलब जैसे मांग भरती हूँ तो वो पीछे तक भरती हूँ, तो ये गीला वाला सिंदूर है, तो गीला वाला जो सिंदूर होता है ये मतलब अच्छा लगता है, जो सूखा सिंदूर होता है वो बह भी जाता है, मतलब पसीना वगैरह आता है, तो सिंदूर को बहाना नहीं चाहिए, अशुभ माना जाता है, तो गीला वाला सिंदूर मैं यूज़ करती हूँ। तो इसे ना मैं 5 बार भरती हूँ मांग में, और पीछे तक हाथ लेके जाती हूँ, इस तरीके से ना शुभ माना जाता है। और जितना मतलब लंबा सिंदूर भरते हैं उतनी लंबी हमारी पति की आयु होती है। और सिंदूर भरने के बाद लगानी है बिंदी, तो मैं बिंदी ना सूट के मैच की लगाऊंगी बिल्कुल, मतलब वो वाला
जो बिंदी आती है ना रंग बिरंगी, मतलब हर कलर की बिंदी आती है उसमें, रेड कलर की, मेहरूम कलर की और हर कलर की बिंदी आती है, तो वो वाली बिंदी का पत्ता लेकर आई थी। तो इस टाइम पे मैं वही वाली सिंपल वाली बिंदी लगा लूँगी, और जिस टाइम पर मतलब लहंगा पहनूंगी उस टाइम पे स्टोन वाली जो नगों वाली बिंदी होती वो लगाऊंगी। तो अब बाल बहाकर मुझे लगाना है क्लेचर, खुले बाल करने हैं, क्योंकि मुझे ना गाँव वाले मंदिर पर चावंड पर जाना है, तो खुले बालों में ही पूजा करती हूँ मैं। तो ये इस तरीके से देखो पिंक कलर की बिंदी है, तो ये वाली बिंदी लगा रही है, बहुत ही प्यारी लग रही थी ये बिंदी। जो सूट पहना हुआ है ये मेरा पिंक कलर का है, और ये सूट ना मेरा आज ही सिल कर आया था। मतलब मैंने आपको, मतलब जो पीछे वाला ब्लॉग था उसमें मैंने अपने कपड़े या मतलब जो भी शॉपिंग का सामान था वो सारा आपको दिखाया था, तो उसमें ये वाला सूट नहीं दिखाया था ना। तो ये वाला सूट मैंने पहना है करवा चौथ पर। दिन के टाइम तो मैं सूट पहनती हूँ, और जब शाम को जल भरने के लिए जाते हैं तो तब मैं पहनती हूँ साड़ी या लहंगा वगैरह पहनती हूँ, है ना। और लगभग मेरा मेकअप जो है सारा कंप्लीट हो गया था, और सिर्फ अब मुझे लगानी है लिपस्टिक। तो लिपस्टिक मैं आपकी बार ना थोड़ा अलग कलर का सेट लेकर आई थी, जो मतलब हर बार तो मैं रेड कलर की लिपस्टिक लगाती हूँ, इस बार ना मैं थोड़ी डार्क रेड कलर मतलब मेहरूम कलर की लिपस्टिक थी वो वाली लिपस्टिक लेकर आई थी। जो भी पूजा का सामान है वो मैं मतलब जो चौकी है करवा चौथ की उस पर रख दूँगी सजा के, जिस भी मतलब जिस सामान की भी ज़रूरत पड़ती है पूजा में वो मैं यहाँ ही रख दूँगी पूजा के स्थान पे। तो ना फ्रेंड्स शाम के बज रहे हैं 4:30, और मतलब जल भरने का टाइम आ गया है, जो जल भर के लाते हैं मतलब करवे में और लोटा वगैरह लेके जाते हैं, तो वो वाला जल लेके आना है बस। और मतलब खाने की तैयारी करनी है, तो खाने की तैयारी में मैं अभी लग जाऊंगी, और मतलब चांद निकलने पर ब्रेड टूटेगा तो तब तक तो मैं मतलब सारा निमटा ही लूँगी। सब्जी वगैरह बननी है और खीर और दो तरह की पूरी, रायता वगैरह बनना है, तो मैं अभी से ही लगूंगी। 4:30 बज रहे हैं तो तब तक मैं सारा कर लूँगी, और पशुओं का दूध भी निकालना है मुझे। और ना सुबह से लेकर अब टाइम मिला है आपसे बात करने का, नहीं तो मैं सिंपल मतलब वैसे ही वीडियो बना रही थी। और मैंने पहना है ये वाला पिंक कलर का सूट, जो मैंने आपको मतलब दिखाया नहीं है, मैंने जो नेक्स्ट मतलब पीछे वाला जो व्लॉग डाला था उसमें मैंने अपने कपड़े दिखाए थे, तो उसमें ना मैंने आपको ये वाला सूट नहीं दिखाया था, क्योंकि ये वाला सूट मेरा सिलकर नहीं आया था, तो दिखाती कहाँ से। तो इस वजह से ना ये है इस तरीके का, इसका ये इस तरीके का दुपट्टा है, बहुत ही प्यारा सूट है, तो आज ही सिलकर आया था सुबह ही था। और अब इस टाइम पर अक्सु के पापा को मैंने भेजा है मतलब बाहर, कुआखेड़ा हमारे पास मार्केट है, छोटा सा बाजार है ना, तो वहाँ पे भेजा है, देखो माथे पे बाल है, हाँ वहाँ पे बाज़ार के लिए मतलब भेजा है। कुछ सामान की ज़रूरत थी, फल वगैरह तो मैंने यहाँ ही ले लिए थे, केले और सेब रखे हैं देखो पीछे, तो वो तो मैंने यहाँ ही ले लिए थे। और सब्जियाँ तो परसों हाँ 2 दिन पहले सब्जी वाला आया था गाँव में, तो उससे ही ले ली थी आलू और गोभी। तो आलू गोभी की सब्ज़ी बनेगी, खीर, रायता और मीठी पूरी, नमकी पूरी, इस तरीके से खाना बनाती हूँ मैं। और तो फल मैंने आज ले लिए, केले लिए हैं और सेब लिए हैं, और बर्फ़ी आनी थी मतलब मिठाई में रखते हैं लड्डू हों या बर्फ़ी हों, तो मैंने जो फर्स्ट व्रत था मेरा करवा चौथ का तो उसमें मैंने बर्फ़ी रखी थी पूजने के लिए, तो मैंने बर्फ़ी मंगाई है अब घर पे। मैंने मावा निकाल कर बर्फ़ी बनाई नहीं, क्योंकि टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, और मुझे ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, तो इस वजह से मैंने मॉल वाली बर्फ़ी मंगा ली अक्सु के पापा को भेज कर, तो वो गए। तो ना मैं नहा ली थी, नहाने के बाद श्रृंगार करने के बाद गई थी मैं गाँव वाले मंदिर पर, और चावंड मैया हैं हमारी, तो वहाँ पे गई थी मैं पूजा वूजा करने के बाद, तब थोड़ा आराम किया, और अब करूँगी मैं खाने की तैयारी। दो टमाटर काट रही हूँ, और बाकी 4 गोभी हैं और आलू हैं, इनको काट के अभी रख लूँगी, और जो है ना
बिना मिर्च मतलब बिना लहसुन और प्याज के बनाना है खाना, व्रत का खाना बिना लहसुन प्याज के ही बनता है, तो इस वजह से प्याज नहीं गिरते व्रत के खाने में बिल्कुल भी। हम तो नहीं गिरते, मुझे और का तो किसी का नहीं पता है। तो बस ये टमाटर काट रही हूँ और सब्जियाँ, इसी तरीके से सिंपल तरीके से सब्जी बनानी है। आज के दिन ना बिल्कुल व्यस्त रहती हूँ, मस्त रहती हूँ, अच्छी तरीके से अपना फेस्टिवल एंजॉय करती हूँ। ये साल भर का त्योहार है तो इसे अच्छे से ही बिताती हूँ। तो कट गए टमाटर। और ना ये गोभी पता नहीं गांव में कैसी लाए हैं, इस ऊपर से ना काली काली हो रही है, ये करनी है मुझे साफ और तब काटनी है। कितनी बड़ी गोभी थी ना, और काम की सिर्फ यही निकलेगी, ऐसा ही होता है गोभी में। सिर्फ पता है इतनी बड़ी गोभी आती है और इसमें से सिर्फ यही काम की निकलती है, और वजन तो इसका भी तो होता है, पैसे तो इसकी भी लेते हैं सब्जी वाले, तो कितना फायदा है ना सब्जी वालों को, इससे तो हमें सब्जी लगा लेनी चाहिए। हमारे खेतों में सिर्फ पापा गन्ने गन्ने बोते हैं या फिर गेहूँ, बस यही, नहीं तो सब्जी ही बोनी चाहिए, बहुत फायदा है। अब आप ही देखो है ना कितनी बड़ी गोभी है ना, वजन तोला होएगा सारी का, और जो सिर्फ खाने के लिए निकलेगी ये वाली। अब आप ही देखो इतनी खाने की गोभी निकली है, सिर्फ पांच गोभी थी, पांच गोभी के फूल थे है ना, उसमें सिर्फ यही खाने की निकली है। और पता है नीचे का कबाड़ा जो है वो ये इतना निकला है। तो फ्रेंड्स सब्जी ना मैंने छोंक दी है और अब मैं हो जाऊंगी तैयार, जल भरने के लिए जाना है बाहर। मतलब 6:30 बज गए हैं और ना खाने की तैयारी बिल्कुल फुल हो गई है, और मैंने ना जल भर कर लाए थे जो करवे में, वो पूजा के स्थान पे यहीं पर रख दिया है ना, और यहाँ पे मैंने जला दिया है दीपक, और सिर्फ अब करनी है पूरी पूरी बनानी है, सिर्फ खीर और सब्जी बना कर रख दी है, और चांद निकलेगा व्रत खोलेंगे, बस यही था। और देखो ये वाला लहंगा पहना है जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, अक्षु के पापा घूम रहे हैं मंडरा रहे हैं आज खाना मिलेगा लेट, बहुत लेट मिलेगा, सुन रहे हो यहाँ आई हो। और देखो ये है मेरा आउटफिट, जितना भी है ये वाला लहंगा पहनना है, और ना देखो गुड्डा कैसे पड़ा है। अब करनी है खाने की तैयारी, पूड़ी बनानी है। तो ना 6:30 बजे हैं अभी, और ना आटा लगा कर रख दूंगी, नमकी वाली जो नमक वाली जो पूरी होती है तो वो वाली तो पूरी बनाऊंगी मैं तभी, और जो मीठी पूरी है वो थोड़ी अब उतार लूँगी थोड़ी बाद में, जब मतलब चांद निकलेगा गरम गरम खाएंगे तो तभी बनाऊँगी मैं, बस आटा लगा कर रख लूँगी, और मतलब वैसी जो तैयारी होती है पूजा वगैरह की वो करके रख लूँगी। और ना बिल्कुल अंधेरा हो गया बाहर, तो इस वजह से ना कैमरे में बिल्कुल भी साफ देख नहीं पा रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स मतलब रात के बज गए थे 8:10 पर चांद निकला था, पापा बोल रहे थे, मतलब हम तो अंदर ही बैठे हुए थे, तो पापा ने बोला कि चांद निकलाया अपना अपनी पूजा वगैरह कर लो, तो हम ना अपनी मतलब जो भी मेरा करने का काम है वो मैं कर रही हूँ, नीचे अंगारी और पूजा वगैरह कर ली है जो
पुजापा होता है वो तो कर दिया है, और हमें ऊपर आकर जो भी मतलब मेरा काम होता है ये मैं हर साल करती हूँ इसी तरीके से। तो मतलब मैं सूट करना चाह नहीं रही थी, पर मैंने कहा मैंने कहा जितना भी मैं करूँगी चलो दिखाती हूँ। तो इसी तरीके से करती हूँ मैं पूजा, और चांद को अर्घ देना, और जो भी पूजा में चढ़ाते हैं जैसे फल मिठाई वगैरह वो देना, चांद को खिलाना और अर्घ देना, और इसी तरीके से मैं मतलब अपनी पूजा करती हूँ। तो भगवान से सिर्फ मैं यही दुआ करूँगी कि हर साल मेरे जीवन में इसी तरीके से चंद्रमा देवता इसी तरीके से प्रकाश लाएं, इसी तरीके से मेरी हर साल करवा चौथ की पूजा सफल हो, पूरी हो। बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी। और यहाँ पे मेरा व्रत भी खुलवा दिया है अक्षु के पापा ने, और हम ना इसी तरीके से करते हैं हर साल। त्यौहार पर ना बिल्कुल अलग ही फीलिंग आती है। ऐसे खाना वगैरह तो हम साथ में हमेशा ही खाते हैं, पर जब करवा चौथ पर अक्षु के पापा अपने हाथों से पानी पिलाते हैं ना मुझे, तो अलग ही फीलिंग आती है सच बताऊँ तो। तो यही था मेरा वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, दोबारा से यही कहूँगी, और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।